हेलो फ्रेंड्स, टेकारिम चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को ही दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आर्मी में बम्पर भर्ती आई हुई है। फ्रेंड्स, 10वीं के छात्र जो लोग हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है NCC के लिए स्पेशल वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, तो NCC के जितने भी कैंडिडेट हैं वे लोग इसमें अवश्य आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी जो है मेल और फीमेल वो भी ऑल इंडिया के सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक दे दिया हुआ, तो आप लोग वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां भी अच्छे अच्छे वीडियो और भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग हैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडियन आर्मी NCC है, रिक्वायरमेंट 2019। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर है जो है कुछ वैकेंसी जो हैं जो जल्द ही आने वाली हैं। बैंक जॉब की जो वैकेंसी है जो है यह 2200 से अधिक पोस्ट लगभग आने वाली है। और यहाँ पर रेलवे जॉब में भी बड़ी वैकेंसी आने वाली है और पुलिस जॉब में भी 3000 लगभग वैकेंसी आने वाली है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस जॉब है इसमें भी लगभग 3000 के पोस्ट लगभग आने के चांसेज हैं। तो जब इसके पोस्टें जो आ जाएंगी हम इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए इसके देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड डिटेल्स के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो इसमें जिसमें है मेल कैंडिडेट के है 157.5, तो इसमें इतना सेंटीमीटर है होना आवश्यक है। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है इनकी हाइट होना चाहिए। और वेट की बात करें हैं तो मेल जो है 62 होना चाहिए है और फीमेल की जो है वह 52 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट नेम NCC मेंस वुमेन स्पेशल एंट्री, आप लोग यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि यह जो है NCC स्पेशल के लिए यह कोर्स है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अप्लाई मोड जो है यह आप लोग हैं इसको देख लीजिए, यहाँ पर है आप लोग हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर पे स्किल की बात करें हैं तो यह 18000 से इसका पेमेंट शुरू होता है और 56,100 रुपये तक है पर मंथ आप लोगों को पेमेंट मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या जानकारी मिलती है इसमें है, ठीक है। जॉब लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए, जॉब लोकेशन जो है आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें हैं तो एज लिमिट जो है सभी के यहाँ पर देख लीजिए है ऑल कैंडिडेट लिमिट शुड बी 19 ईयर टू 25 ईयर, यानी आप लोगों 19 से 25 ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। SC ST के लिए जानते हैं आप लोग है 5% छूट, 5 ईयर्स का छूट मिलता है। और OBC के लिए है यहाँ पर है 3 वर्ष का छूट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और आज के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए है आप लोगों को जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को है SSB इंटरव्यू देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, PET हो देना पड़ेगा और मेरिट टेस्ट पास करके आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देख लीजिए इंडियन आर्मी वैकेंसी 10th पास। अप्लीकेशन फ़ीस, अगर अप्लीकेशन की फ़ीस की अगर बात करें हैं तो यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस जो है यह देख लीजिए, यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस फ्री है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी है क्या मिलता है इसमें हमको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कैंडिडेट हैविंग 11th पास एंड डिग्री फ्रॉम रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इन सेकंड मिनिमम 50%, यहाँ पर 50% मार्क भी होना जरूरी है, ठीक है। जो कैंडिडेट NCC नहीं किए हुए हैं यह उनको लिए स्पेशली दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है यहाँ पर देख लीजिए है यह अप्लीकेशन जो है फॉर्म जो भरना जाने वाला है यह अप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 जुलाई से यानी कि यह अप्लीकेशन है शुरू हो गया, ठीक है। और 8 अगस्त तक यह फॉर्म जो है भरा जाएगा और एग्ज़ाम डेट जो है यह दिसंबर में होने के चांसेस हैं। इसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो हम लोग आप लोगों को सूचना दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं और कुछ है इसके बारे में क्या मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आप लोग है किसी भी साइबर कैफे से या स्वयं पर भी इसी वेबसाइट पर आकर है यहाँ से ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स,
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।